ओम शांति। आज की तारीख है 10/3/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि प्रीत बुद्धि विजयंती विपरीत बुद्धि विनश्यंती। तो प्रीत बुद्धि किसकी है और विपरीत बुद्धि किसकी होती है, तो ये हम जानेंगे मुरली के द्वारा और हरेक अपने दिल दर्पण में देखेंगे कि हम प्रीत बुद्धि हैं या विपरीत बुद्धि हैं। प्रीत बुद्धि किसके साथ और विपरीत बुद्धि कैसे, तो आइए सुनते हैं मुरली में मीठे मीठे बाप दादा क्या कहते हैं। तो बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, प्रीत और विपरीत यह प्रवृत्ति मार्ग के अक्षर हैं। अभी तुम्हारी प्रीत एक बाप से हुई है और तुम बच्चे निरंतर बाप की याद में रहते हो। तो प्रीत बुद्धि का अर्थ समझ में आ गया होगा सभी को कि एक बाप से ही यदि हमारी प्रीत है तो हम एक बाप को ही निरंतर याद करेंगे। तो प्रीत बुद्धि, ऐसे प्रीत बुद्धि वाले बच्चे विजयी होते हैं। आज का प्रश्न है, याद की यात्रा को कौन सा दूसरा नाम देंगे? उत्तर है, याद की यात्रा प्रीत की यात्रा है। देखो कितना सुंदर नाम दिया गया है कि याद की यात्रा, ये आत्मा की परमात्मा से प्रीत जो होती है तो ये प्रीत की यात्रा है। विपरीत बुद्धि वाले से नाम रूप में फंसने की बदबू आती है। हाँ, बाबा कहते हैं विपरीत बुद्धि वाले कौन हैं? जो बाप को याद न करते, बाप से प्रीत कम करते और देहधारियों के नाम रूप में फंसे रहते, यानी उनसे प्रीत करते, उनको याद करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं उनकी बुद्धि तमो प्रधान हो जाती है। जिनकी प्रीत एक बाप से है वो ज्ञान का दान करते रहेंगे, किसी भी देहधारी से उनकी प्रीत हो नहीं सकती। हरेक अपने दिल दर्पण में देख रहे होंगे कि हमारी प्रीत एक बाप से है या फिर नाम रूप में हम फंसे हुए हैं। गीत बजा है, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि बाप बच्चों को समझा रहे हैं। अब इसको याद की यात्रा भी कहें तो प्रीत की यात्रा भी कहें। हाँ, देखो मीठे मीठे बाबा ने आज याद की यात्रा को नया नाम बताया, नया नाम दिया। मनुष्य तो उन यात्राओं पर जाते हैं, ये जो रचना है वो उनकी यात्रा पर जाते हैं। हाँ, शिव बाबा है रचयिता और बाकी है उनकी रचना। तो बाबा कहते हैं वो रचना जो है उनकी यात्रा पर जाते हैं। भिन्न भिन्न रचना है ना, रचयिता को तो कोई भी जानते ही नहीं। अभी तुम रचयिता बाप को जानते हो, जानते हैं ना? उस बाप की याद में तुम कभी रुकना नहीं है, तुमको कभी, बाबा कहते हैं, यात्रा में रुकना नहीं है। तुमको यात्रा मिली है याद की, इसको याद की यात्रा अथवा प्रीत की यात्रा कहा जाता है। जिसकी जास्ती प्रीत होगी, बाबा कहते हैं, वो यात्रा भी अच्छी करेंगे। स्वाभाविक है, जिससे प्रीत लगी हुई होती है, जिससे प्यार होता है, उसकी याद भी ज्यादा ही आती है। जितना प्यार से यात्रा पर रहेंगे पवित्र भी बनते जाएंगे। हाँ, ये इस याद की प्राप्ति है, क्योंकि याद में शक्ति है, हमें वो पतित से पावन बनाती है। शिव भगवान वाचा है ना, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि
और विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम बच्चे जानते हो कि अभी विनाश काल है। ये वही गीता एपिसोड चल रहा है। बाबा ने श्री कृष्ण की गीता और त्रिमूर्ति शिव की गीता, इन दोनों का कॉन्ट्रास्ट भी बताया है। अब गीता का भगवान कौन? परम पिता शिव भगवानु वाच। सिर्फ शिव अक्षर नहीं लिखना है, क्योंकि शिव नाम भी बहुतों के हैं। इसलिए परम पिता परमात्मा लिखने से वो सुप्रीम हो गया। परम पिता तो कोई अपने को कह न सके। सन्यासी लोग शिवो हम कह देते हैं। वह तो बाप को याद भी कर न सके, बाप को जानते ही नहीं, बाप से उनकी प्रीत ही नहीं, क्योंकि बाप को जानते ही नहीं, बाप से उनकी प्रीत है ही नहीं। प्रीत और विपरीत, ये प्रवृत्ति मार्ग के लिए शब्द है। कोई बच्चों की बाप से प्रीत बुद्धि होती है, कोई की विपरीत बुद्धि होती है। तुम्हारे में भी ऐसे है। बाबा कहते लौकिक में कोई की बाप से प्रीत बुद्धि होती है, कोई की विपरीत बुद्धि होती है। तो बाबा कहते तुम बच्चों में भी ऐसा है। बाप के साथ प्रीत उनकी है, किसकी? हाँ, हरेक अपने से फिर पूछना कि बाप से हमारी प्रीत है। तो बाबा कहते बाप के साथ प्रीत उनकी है जो बाप की सर्विस में तत्पर है। बाप के सिवाय और कोई से भी प्रीत हो न सके। शिव बाबा को ही कहते हैं कि बाबा हम तो आपके ही मददगार हैं। ब्रह्मा की तो इसमें बात ही नहीं। शिव बाबा के साथ जिन आत्माओं की प्रीत होगी वो जरूर मददगार होंगे। शिव बाबा के साथ वो सर्विस करते रहेंगे। प्रीत नहीं है तो गोया विपरीत हो जाते हैं, तो विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। जिनकी बाप से प्रीत होगी तो वो बाप के कार्य में मददगार भी बनेंगे। जितनी प्रीत उतना सर्विस में मददगार बनेंगे। याद ही नहीं करते तो प्रीत ही नहीं है, फिर देहधारियों से प्रीत हो जाती है। बाबा कहते अगर बाप से प्रीत नहीं तो फिर जाके देहधारियों से प्रीत हो जाती है। मनुष्य मनुष्य को अपनी यादगार की चीज भी देते हैं ना, तो फिर वो याद जरूर पड़ते हैं। अब जो दोस्त स्नेही होते हैं वो एक दो को क्या करते हैं, उनको कोई ना कोई अपनी चीज यादगार के रूप में देते हैं। तो नेचुरली जब जब वो चीज को देखेंगे तो याद पड़ेगी। तो आगे बाबा कहते हैं कि अभी तुम बच्चों को बाप अविनाशी ज्ञान रत्नों की सौगात देते हैं, जिससे तुम राजाई प्राप्त करते हो। अविनाशी ज्ञान रत्नों का फिर दान करते हैं तो प्रीत बुद्धि है। जानते हैं कि बाबा सबका कल्याण करने आए हैं, हमको भी मददगार बनना है। ऐसे प्रीत बुद्धि जो ये सोचते हैं कि हमको भी बाप समान कल्याण करना है, इसीलिए मददगार बनना है, तो ऐसे प्रीत बुद्धि बाबा कहते हैं वो विजयंती होते हैं। जो याद ही नहीं करते वे प्रीत बुद्धि नहीं। बाप से प्रीत होगी तो याद करेंगे और विकर्म भी विनाश होंगे और दूसरों को भी कल्याण का रास्ता बताएंगे। देखो कितनी बातें बाबा ने बता दी। याद से विकर्म विनाश होंगे, दूसरों का कल्याण होगा और उनको घर चलने का रास्ता भी हम बता देंगे। तुम ब्राह्मण बच्चों में भी प्रीत और विपरीत का मदार है। बाप को जास्ती याद करते हैं गोया प्रीत है। बाप कहते हैं मुझे निरंतर याद करो, मेरे मददगार बनो। रचना को एक रचता बाप ही
याद रहना चाहिए। हाँ, सभी ने नोट किया, हम हैं उसकी रचना, तो हमको एक रचता बाप की ही याद रहनी चाहिए। किसी रचना को याद नहीं करना है। दुनिया में तो रचयिता को कोई जानते नहीं, ना ही याद करते हैं। सन्यासी लोग भी ब्रह्म को याद करते हैं, वह भी रचना है। रचयिता तो सबका एक ही है ना, और जो भी चीजें इन आँखों से देखते हो वो सब तो है रचना। जो नहीं देखने में आता है वह है रचयिता बाप। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी चित्र हैं, वह भी रचना है। बाबा ने जो चित्र बनाने के लिए कहा है ऊपर में लिखना है कि परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवानु वाच। भले कोई अपने को भगवान कहे परंतु परम पिता तो कह न सके। तुम्हारा बुद्धि योग है शिव बाबा के साथ, न कि शरीर के साथ। तो बाप ने समझाया है कि अपने को अशरीरी आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। प्रीत और विपरीत का सारा मदार है सर्विस पर। अच्छी प्रीत होगी तो बाप की सर्विस भी अच्छी करेंगे, तब उनको विजयंती कहेंगे, और प्रीत नहीं तो सर्विस भी नहीं होगी, फिर पद भी कम होगा। तो कम पद को कहा जाता है ऊंच पद से विनश्यंती। यूं विनाश तो सबका होता ही है, परंतु ये खास प्रीत और विपरीत की बात है। रचयिता बाप तो एक ही है, उनको ही शिव परमात्माय नमः कहते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं, शंकर जयंती कभी सुना नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा का भी नाम बाला है। विष्णु की जयंती नहीं मनाते, कृष्ण की मनाते हैं। अब ये भी किसी को पता नहीं कृष्ण और विष्णु में क्या फर्क है। मनुष्यों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो तुम्हारे में भी प्रीत और विपरीत बुद्धि है ना। बाप कहते हैं तुम्हारा ये रूहानी धंधा तो बहुत अच्छा है, सवेरे और शाम को इस सर्विस में लग जाओ। शाम का समय 6 से 7 तक अच्छा कहते हैं। सत्संग आदि भी शाम को और सवेरे करते हैं। रात में तो वायुमंडल खराब हो जाता है, रात को आत्मा स्वयं शांति में चली जाती है, जिसको नींद कहते हैं। फिर सवेरे जागते हैं, कहते भी हैं कि राम सिमर प्रभात मोरे मन। अब बाप बच्चों को समझाते हैं कि मुझ बाप को याद करो। शिव बाबा जब शरीर में प्रवेश करे तब तो कहे कि मुझे याद करो, तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो तुम बच्चे जानते हो कि हम कितना बाप को याद करते हैं और रूहानी सेवा करते हैं। तो सभी को यही परिचय देना है कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। खाद निकल जाएगी, प्रीत बुद्धि में भी परसेंटेज है। बाप से प्रीत नहीं तो जरूर अपनी देह में प्रीत है, या मित्र संबंधियों आदि से प्रीत है। बाप से प्रीत होगी तो सर्विस में लग जाएंगे, और बाप से प्रीत नहीं तो सर्विस में भी नहीं लगेंगे। कोई को सिर्फ अलफ और बे का राज समझाना तो बहुत ही सहज है। हे भगवान हे परमात्मा कह कर के याद करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं। बाबा ने समझाया है कि हरेक चित्र में ऊपर परम पिता त्रिमूर्ति शिव भगवान वाच जरूर लिखना है, तो कोई कुछ कह न सके। अभी तुम बच्चे तो अपना सैपलिंग लगा रहे हो, सभी को रास्ता बताओ तो बाप से आकर के वो भी वर्षा लेवे। बाप को जानते ही नहीं
इसलिए प्रीत बुद्धि है नहीं। पाप बढ़ते बढ़ते एकदम तमो प्रधान सभी बन पड़े हैं। बाप के साथ प्रीत उनकी होगी जो याद करेंगे, उनको ही गोल्डन एजेड बुद्धि कहेंगे। अगर और तरफ बुद्धि भटकती होगी तो तमो प्रधान ही रहेंगे। भले सामने बैठे हैं तो भी प्रीत बुद्धि नहीं कहेंगे, क्योंकि याद ही नहीं करते। प्रीत बुद्धि की निशानी ही है याद। वो धारणा करेंगे, औरों पर भी रहम करते रहेंगे कि बाप को याद करो तो तुम पावन बनेंगे। अब ये किसको भी समझाना तो बहुत सहज है। बाप स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देते हैं जो होकर के गए हैं। तो जरूर शिव बाबा आया था, तब तो शिव जयंती भी मनाते हैं। कृष्ण राम आदि सब होकर के गए हैं, तब उनका भी मनाते आते हैं। शिव बाबा को भी याद करते हैं, क्योंकि वह आकर बच्चों को विश्व की बादशाही देते हैं। नया कोई इन बातों को समझ न सके। भगवान कैसे आकर के वर्षा देते हैं वो नए समझ नहीं पाते। तो बाबा कहते हैं बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है, याद करने की बुद्धि नहीं। बाप खुद कहते हैं तुम अब आधा कल्प के आशिक हो, मैं अब आया हूँ भक्ति मार्ग में, तुम कितने धक्के खाते हो। परंतु भगवान तो कोई को मिला ही नहीं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि बाप भारत में ही आया हुआ था और मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताया था। कृष्ण तो ये रास्ता बताते नहीं। भगवान से प्रीत कैसे जुटे सो भारतवासियों को ही बाप आकर के सिखलाते हैं। आते भी भारत में हैं, शिव जयंती भी मनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि ऊंचे ते ऊंचा है ही भगवान, उनका नाम है शिव, इसलिए तुम लिखते हो शिव जयंती ही हीरे तुल्य है, बाकी सबकी जयंती है कौड़ी तुल्य। ऐसे लिखने से थोड़ा बिगड़ते हैं, इसलिए हरेक चित्र में अगर शिव भगवानु वाचा होगा तो तुम सेफ्टी में रहेंगे। कोई कोई बच्चे पूरा नहीं समझते हैं तो नाराज हो जाते हैं। माया की ग्रहचारी पहला वार बुद्धि पर ही करती है, बाप से ही बुद्धि योग तोड़ देती है, जिससे वो एकदम ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। देहधारियों से बुद्धि योग अटक पड़ता है। तो बाप से विपरीत हुए ना, तुमको प्रीत रखनी है एक विचित्र विदेही बाप से। देहधारी से प्रीत रखना नुकसानकारक है। बुद्धि ऊपर से टूटती है तो एकदम नीचे गिर पड़ते हैं। भले ये अनादि बना बनाया ड्रामा है, फिर भी समझाएंगे तो सही ना। विपरीत बुद्धि से तो जैसे बांस आती है नाम रूप में फंसने की, नहीं तो सर्विस में खड़ा हो जाना चाहिए। बाबा ने कल भी अच्छी रीति समझाया कि मुख्य बात है ही गीता का भगवान कौन, इसमें ही तुम्हारी विजय होनी है। तुम पूछते हो गीता का भगवान शिव या श्री कृष्ण, सुख देने वाला कौन है? सुख देने वाला तो शिव बाबा है, तो उनको वोट देना चाहिए, उनकी ही महिमा है। अब वोट दो गीता का भगवान कौन, तो शिव को वोट देने वाले को ही कहेंगे प्रीत बुद्धि। यह तो बहुत भारी इलेक्शन है। ये सब युक्तियां उनकी बुद्धि में आएंगी जो सारा दिन विचार सागर मंथन करते रहते होंगे। आगे बाबा कहते हैं कि कई बच्चे चलते चलते रूठ पड़ते हैं। अभी अभी देखो तो प्रीत बुद्धि है, रूठ जाते हैं। कोई बात से बिगड़े
तो कभी याद भी नहीं करेंगे, चिट्ठी भी नहीं लिखेंगे। गोया प्रीत नहीं है तो बाबा भी 6-8 मास की चिट्ठी नहीं लिखेंगे। बाबा कालों का काल भी है ना, साथ में धर्मराज भी है। बाप को याद करने की फुर्सत नहीं तो तुम क्या पद पाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। शुरू में बाबा ने बड़ों को युक्ति से पद बतलाए थे, अभी तो वो है ही थोड़ी, अभी तो फिर से माला बननी है। राजा को अन्नदाता माता पिता कहते हैं। अब माता तो है जगदम्बा, उन द्वारा तुमको सुख घनेरे मिलते हैं। तुम्हें पुरुषार्थ से ऊंच पद पाना है। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को मालूम होता जाएगा कि कौन कौन क्या बनेगा। सर्विस करेंगे तो बाप भी उनको याद करेंगे। सर्विस ही नहीं करते तो बाप को याद क्यों करें। बाप दादा उन बच्चों को प्रेम करेंगे जो प्रीत बुद्धि होंगे। आगे बाबा कहते हैं कि यह भी बाबा ने समझाया है कि किसकी दी हुई चीज पहनेंगे तो उनकी याद जरूर आएगी। बाबा तो कहते हैं कि भंडारे से लेंगे तो शिव बाबा की याद आएंगी। बाबा खुद अपना अनुभव बतलाते हैं, याद जरूर पड़ता है, इसलिए कोई की भी दी हुई चीज रखनी नहीं चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार कहता है, एक विदेही विचित्र बाप से दिल की सच्ची प्रीत रखनी है। सदा ध्यान रहे माया की ग्रहचारी कभी भी बुद्धि पर वार न कर दे, क्योंकि बुद्धि का योग प्रभु से तोड़ने की वो कोशिश करती रहती है। नंबर 2 है, कभी भी बाप से रूठना नहीं है। हाँ, निराकार बाप से कभी भी रूठना नहीं है। सर्विसेबल बन अपना भविष्य ऊंच बनाना है। किसी की दी हुई चीज अपने पास नहीं रखनी है। वरदान आज का, मीठे मीठे सतगुरु बाबा कहते हैं, मास्टर ज्ञान सागर बन ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भव। जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं वे अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बनते हैं। एक है ज्ञान सुनना और सुनाना, दूसरा है अनुभवी मूरत बनना। तो बाबा कहते हैं कि अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं, उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता। अनुभवी के आगे माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं होती। अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकता, इसलिए अनुभवों को बढ़ाते हुए हर गुण के अनुभवी मूर्त बनो। मनन शक्ति के द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। जितना हम मनन करते रहेंगे उतना हमारे पास संकल्पों का स्टॉक जमा होता जाएगा। स्लोगन है आज का, फरिश्ता वह है जो देह के सुख्यम अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। अच्छा, ओम शांति।